एक बहुत ही अच्छी सब्जी हमने पहले से ही छील करके और ये गोले गोले कटिंग में कट करके रखी हूँ। इसको ले हूँ। ये ग्रेवी में डालने के लिए हमने प्याज ले लिया, 2 प्याज है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 3-4 कली लहसुन की है। ये हमें बेसन ले लेना है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लेना है, थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, मिर्च पाउडर डालना है 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। इसी टाइम हम मसाले में भी, प्याज वाले में भी मसाला मिला लेंगे, इसमें भी 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1 चम्मच मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच किचन, इसमें ये लौकी की पीसेस डाल करके 1-1 तल लेंगे हम। अभी कढ़ाई में हमने तेल डाल रखा है, गरम हो गया है, इसमें हम 1-1 डालते जाएंगे। अभी इसको हम निकाल लेंगे 1 प्लेट में। ये पकौड़ी हमने सारी तल ली है, अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। जिसमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल हमने और ऐड कर लिया, उसी बचे हुए तेल में अब इसमें हम डाल देंगे ये मसाले। डाल देंगे, पानी इसमें थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है क्योंकि हमारा पकौड़ी भी पानी सोखेगा। इसमें हम जो है डाल देंगे जो हमने पकौड़ियाँ तल रखी हैं सारी। अब इसको तैयार हो गई है, इसमें थोड़ा सा ऊपर से हम धनिया डाल देंगे।